एक दिन स्वामी विवेकानंद जी से मिलने व्यक्ति आया जो बहुत दुखी था और उसकी शक्ल को देख के लग रहा था कि ये बहुत दुख और पीड़ा में है। स्वामी जी को देख के वो व्यक्ति स्वामी जी के पैरों में जाके गिर गया और बोलने लगा, स्वामी जी मैं बहुत दुख और पीड़ा में हूँ, मुझे कुछ सुझाव दीजिए। स्वामी जी ने पूछा, क्यों क्या हो गया? तो व्यक्ति बोला, स्वामी जी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत में मैं कोई कमी नहीं रखता, इसके बावजूद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे कुछ सुझाव दीजिए। स्वामी जी बोले, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। और वो उसकी परेशानी को समझ गए। स्वामी जी के पास एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता था। स्वामी जी ने बोला, तुम ऐसा करो, इस कुत्ते को ले जाओ, थोड़ी देर के लिए घुमा के लाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। वो व्यक्ति उस कुत्ते को लेके गया घुमाने के लिए। चूंकि वो कुत्ता स्वामी जी का था, इसलिए कुत्ते को मन भरा के बढ़िया से घुमा के लाया। थोड़ी देर बढ़िया से घुमाने के बाद जब वो कुत्ता और व्यक्ति दोनों वापस आए तो स्वामी जी ने देखा उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति के चेहरे को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये व्यक्ति थका हुआ है या इसने कोई मेहनत करी है या फिर घूम के आया है। जबकि कुत्ते की शक्ल को देख के लग रहा था कि यह बहुत थका हुआ है, क्योंकि कुत्ता बहुत तेजी से हाँफ रहा था। तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति से प्रश्न पूछा कि तुम्हें देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम थके हुए हो, जबकि कुत्ता बहुत तेजी से हाँफ रहा है, तो ये इतना तेजी से क्यों हाँफ रहा है? तो उस व्यक्ति ने बोला, स्वामी जी हम यहाँ से तो दोनों साथ में गए थे, बीच में ये कुत्ता जो है इधर उधर भागने लग गया, उछल कूद करने लग गया, और दूसरे कुत्तों को देख के ये उनके पीछे भागने लग गया और भौंकने लग गया, जिससे किसकी ज़्यादा एनर्जी लग गई और ये ज़्यादा दौड़ने लग गया। मैं तो सीधे सीधे अपनी जगह पे गया, बट ये मेरे से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगा, इसलिए ये कुत्ता हाँफ रहा है। तो स्वामी जी मुस्कुराए और बोला, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम जब अपनी मंजिल की तरफ जाते हो ना, तो तुम सीधे सीधे नहीं जाते हो, तुम दूसरे लोगों को देख के उनके पीछे भागते हो, इधर उधर जाते हो और भटक जाते हो, जिससे तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा टाइम दोनों बर्बाद हो जाते हो और तुम जो है सफल नहीं हो पाते हो अपने काम में। और ये बात सुन के वो जो व्यक्ति था उसकी आंखें खुल गई और उसको स्वामी जी की बात समझ आ गई। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है, हम जब अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं, कोई काम शुरू करते हैं किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए, तो हम उस काम को ना सीधे सीधे नहीं करते हैं, हम एक दूसरों को देख के उनके पीछे पीछे भाग जाते हैं। आप कोई काम कर रहे हो तो किसी ने कोई पैसे की बात कर दी तो हम उधर चले जाते हैं। अपनी मंजिल में अगर सफल होना है ना, तो दूसरे लोगों को छोड़ दो, अपनी मंजिल की तरफ ध्यान दो, पैसे को देख के, किसी और चीज़ को देख के, इंटरेस्ट को देख के भटकना नहीं है। अगर आप भटकोगे तो कभी मंजिल के पास नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आपको ये स्टोरी शायद आपको इंस्पायर लगी होगी, इसने आपको इंस्पायर किया होगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अगर आप शेयर करना चाहते हो ज़रूर करना, ताकि दूसरों के लिए भी ये इंस्पिरेशन स्टोरी इंस्पायर कर सके। बाकी थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।